हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पानी पूरी। इसके लिए यहाँ मैंने एक कप सूजी ली है और हाफ कप गेहूं का आटा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका टाइट डो तैयार करना है और इसे मैंने एक दो मिनट अच्छे से मसल लिया है। अब गीले कपड़े से इसे ढककर एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे के बाद 3 से 4 मिनट हमें आटे को इस प्रकार से मसल मसल कर चिकना करना है। इसके बाद हमें इसकी लोइयाँ कट करनी है। लोइयाँ कट करने के बाद हमें इसे हाथ की मदद से इस प्रकार से गोल करना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ियाँ हमें न बहुत पतली न बहुत मोटी चाहिए, तो इन पूड़ियों को हमें गीले कॉटन के कपड़े पर इस प्रकार से सेट करना है और ऊपर से हमें एक कॉटन का कपड़ा अच्छे से ढक देना है, क्योंकि हमें इन्हें एक घंटे के लिए इसी प्रकार से रखना है। तो इन्हें रखे एक घंटा हो गया। जो पूड़ी का नीचे वाला भाग है उसे हमें ऑयल की तरफ डालना है। इस प्रकार से जब हम पूड़ी को ऑयल में डालेंगे तो हल्का सा प्रेस करना है। जब हमारी पूड़ी फूलने वाली होगी उसी समय हम इसे पलट देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। सारी पूड़ियाँ फ्राई करने के बाद हम इन्हें दोबारा लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, जिससे पूड़ियाँ जो हमारी बहुत ही क्रंची बनती हैं। तो